नमस्कार दोस्तों दोस्तों क्या आप जानते हैं कि इंडिया में सबसे ज्यादा बिकने वाले होम अप्लायंसेस में बिल्कुल टॉप में क्या आता है? जी हाँ, रेफ्रिजरेटर्स। अगर आप रेफ्रिजरेटर्स खरीदने जाएंगे तो आपको मार्केट में सबसे ज्यादा ब्रांड्स मिलेंगे और हर एक ब्रांड में सबसे ज्यादा वैरायटीज आपको रेफ्रिजरेटर्स में मिलेंगी। ब्रांड्स ने अपने रेफ्रिजरेटर्स काफी अलग अलग कैपेसिटीज में निकाल रखे हैं, फ्रॉस्ट फ्री टेक्नोलॉजी या फिर मैनुअल डिफ्रॉस्टिंग टेक्नोलॉजी, डायरेक्ट कूल टेक्नोलॉजी, इन्वर्टर टेक्नोलॉजी, सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर, डबल डोर रेफ्रिजरेटर, ट्रिपल डोर रेफ्रिजरेटर, फ्रेंच डोर रेफ्रिजरेटर, साइड बाय साइड डोर रेफ्रिजरेटर्स और पता नहीं कितने ही टाइप के रेफ्रिजरेटर्स आपको मार्केट में मिल जाएंगे। इसीलिए जब आप रेफ्रिजरेटर खरीदने जाते हैं ना तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है क्योंकि यहां पर गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं, आज मैं आपके लिए इंडिया के टॉप 5 रेफ्रिजरेटर्स लेकर आया हूं 35,000 की रेंज में। यानी कि अगर आपका बजट 35,000 के आसपास का है और आप रेफ्रिजरेटर्स में रिसर्च कर रहे हैं तो और आपको अपना टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। बस ये वाला वीडियो जो है एंड तक देख लीजिए, आपको मैं टॉप 5 रेफ्रिजरेटर्स बता दूंगा 35,000 की रेंज में और इन सभी रेफ्रिजरेटर्स के लिंक्स भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। उन लिंक्स पर क्लिक करके आप उन रेफ्रिजरेटर्स को खरीद सकते हैं या फिर नॉर्मली उनको एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले, इंडिया के टॉप 5 रेफ्रिजरेटर्स बताने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट बातें बता देना चाहता हूं ताकि आपको आगे का जो वीडियो है वो सही तरीके से समझ में आए। अब दोस्तों देखिए, रेफ्रिजरेटर में ना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, वो है कन्वर्टिबल और नॉन कन्वर्टिबल, और यहां पर ब्रांड्स सबसे ज्यादा खेल जाती हैं। काफी ब्रांड्स आपको 10-in-1 कन्वर्टिबल, 14-in-1 कन्वर्टिबल, 6-in-1 कन्वर्टिबल इस टाइप की टेक्नोलॉजीज आपको बताएंगी, लेकिन वो ईमानदारी से आपको सही चीज नहीं बताएगी क्योंकि काफी ब्रांड्स के 10-in-1, 14-in-1 या फिर 6-in-1 वगैरह में ना आपको एक ही कन्वर्टिबल मोड मिलता है। बाकी जो मोड्स होते हैं वो बस टेम्परेचर को ऊपर नीचे करने वाली बातें होती हैं जो कि हर रेफ्रिजरेटर में हमें मिल जाता है। लेकिन ब्रांड्स जो है बातों बातों में और फैंसी नेम्स में यहीं पर खेल जाते हैं। लेकिन कुछ ब्रांड्स ऐसे भी हैं जो कि ऑनेस्टली आपको बताएंगे कि भैया इसमें 5-in-1 कन्वर्टिबल मोड्स हैं, तो सच में उसमें 5-in-1 कन्वर्टिबल मोड्स हैं। और दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप एक कन्वर्टिबल रेफ्रिजरेटर लेने की सोच रहे हैं तो आप पहले ये 100% श्योर कर लीजिए कि आप एक कन्वर्टिबल टेक्नोलॉजी आफ्टर ऑल क्यों लेना चाहते हैं। एक कन्वर्टिबल रेफ्रिजरेटर का मतलब होता है एक ऐसा रेफ्रिजरेटर जिसके फ्रीजर को भी आप नॉर्मल फ्रिज बना सकते हैं। कभी कभी जरूरत पड़ सकती है, हो सकता है घर में बहुत ज्यादा गेस्ट आ जाएं या फिर बहुत ज्यादा सामान आपका हो जाए रेफ्रिजरेटर में रखने वाला, तो आपको ज्यादा स्पेस की जरूरत पड़ सकती है और उस केस में आप नॉर्मल फ्रीजर को भी रेफ्रिजरेटर में कन्वर्ट कर सकते हैं जिसमें करीब 1 से 1.5 घंटे का टाइम लग जाता है। लेकिन आपको सोचना पड़ेगा कि क्या सच में आपको इस टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ेगी, क्या कभी भी आपको जरूरत पड़ती है, क्या आपका इतना ज्यादा सामान होता है रेफ्रिजरेटर में रखने वाला कि आपको फ्रीजर को भी रेफ्रिजरेटर बनाना पड़े। ये चीज आपको सोचना पड़ेगा क्योंकि अगर आप एक फालतू की टेक्नोलॉजी आप खरीद लेते हैं जिसकी आपको कुछ खास जरूरत नहीं है तो वो फालतू के आपको पैसे वहां पे वेस्ट करने की जरूरत क्या है, ये मेरा मानना है। लेकिन मैं आपको आज के टॉप 5 रेफ्रिजरेटर्स में कन्वर्टिबल भी बताऊंगा और नॉन कन्वर्टिबल भी आपको बताऊंगा। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि वो आपके लिए एक एडवांटेज है या फिर वो आपके किसी यूज में नहीं आएगा। प्लस दोस्तों काफी जो ब्रांड्स है ना वो अपने इन्वर्टर टेक्नोलॉजी को काफी अलग अलग फैंसी नेम्स यूज करके सेल करने की कोशिश करते हैं। लेकिन दोस्तों अगर आप एक इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाला रेफ्रिजरेटर खरीदते हैं तो एक नॉन इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर से सिर्फ इतना ही फर्क पड़ेगा कि आपका एक इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाला रेफ्रिजरेटर आपके नॉन इन्वर्टर के मुकाबले कम बिजली खाता है, उसकी नॉइज लेवल थोड़ी कम होती है और वो थोड़े से ज्यादा ड्यूरेबल होते हैं। आज की वीडियो में मैं आपको हर रेफ्रिजरेटर का प्रोज कॉन्स सब कुछ बताऊंगा और एक रेफ्रिजरेटर दूसरे से बेहतर क्यों है वो भी आपको पता चलेगा। इसलिए इस वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा और मेरा दावा है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी और वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको अपना वक्त और अपना दिमाग फालतू रेफ्रिजरेटर्स को चूज करने में स्पेंड नहीं करना पड़ेगा और ये वीडियो आपकी सारी प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व कर देगी। तो चलिए चलते हैं आगे। लेकिन अगर आप इस चैनल पे नए हैं, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है दोस्तों, तो इस टाइप की इंपॉर्टेंट वीडियोस इस चैनल पे आती रहती हैं आपके होम अप्लायंस से रिलेटेड, ताकि आपकी सारी कंफ्यूजन मैं इस चैनल में सॉल्व करने की कोशिश करता हूं। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको एक लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। तो दोस्तों इंडिया के टॉप 5 रेफ्रिजरेटर्स 35,000 की रेंज में, नंबर 5 में जो रेफ्रिजरेटर मैं आपके लिए लेकर आया हूं वो है हायर का 328 लीटर का 3-स्टार रेफ्रिजरेटर, जो कि 328 लीटर का होने की वजह से 3 से 4 मेंबर की फैमिली के लिए एक अच्छा ऑप्शन रह सकता है। इसमें आपको 10-in-1 कन्वर्टिबल मोड
मोड्स मिल जाते हैं जिसमें आप फ्रीजर को नॉर्मल फ्रिज में कन्वर्ट कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर एक कैच है जो मैं आपको बता रहा था, 10-in-1 कन्वर्टेबल मोड्स में सिर्फ एक ही ऐसा मोड है जो कि कन्वर्टेबल मोड है, बाकी जो 9 मोड्स हैं वो बेसिकली रेफ्रिजरेटर के टेम्परेचर को ऊपर नीचे करके अलग अलग टेम्परेचर को सेट करना, उसे ब्रांड कन्वर्टेबल मोड बोल रही है, जो कि एक्चुअली थोड़ा बहुत मिसलीडिंग है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें एक्चुअल में एक ही कन्वर्टेबल मोड है जिसमें आप इसके फ्रीजर को रेफ्रिजरेटर में कन्वर्ट कर सकते हैं और इसमें करीब 80 से 90 मिनट का टाइम लग जाता है। अब दोस्तों देखते हैं इसके बाकी के फीचर्स, जहां पर आपको इसमें ट्रिपल इन्वर्टर कंप्रेसर मिल जाता है, 3-स्टार रेटिंग का रेफ्रिजरेटर है और सालाना इसमें 240 यूनिट्स की बिजली की कंजम्पशन है, यानी कि इसका कंप्रेसर एक इन्वर्टर कंप्रेसर है और उसके वही फायदे हैं एक नॉन इन्वर्टर के मुकाबले जो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं। इसमें आपको 74 लीटर का फ्रीजर मिल जाता है और इसमें आपको 254 लीटर का फ्रेश फूड कैपेसिटी मिलती है, जिसमें से वेजिटेबल बास्केट करीब 28 लीटर का आपको मिल जाता है। लेकिन दोस्तों एक जगह पर ये रेफ्रिजरेटर चूक जाता है और वो मैं आपको बताता हूं। 3 शेल्व्स आपको इसमें नॉर्मल रेफ्रिजरेटर की कैविटी में मिल जाते हैं, जैसे कि यहां पर आप देख सकते हैं आपको 3 शेल्व्स मिल जाते हैं, प्लस यहां पर एक ड्रॉअर, प्लस यहां पर ड्रॉअर आपको मिल जाता है। लेकिन दोस्तों अगर आप देखते हैं इसके डोर साइड में आपको सिर्फ 1-2-3 सिर्फ 3 ही शेल्फ्स आपको इसके डोर साइड में मिल रहे हैं। जो नीचे वाला पोर्शन है दोस्तों, जहां पर मैंने इसका प्राइस लिखा हुआ है, वो वाला पोर्शन बिल्कुल ब्रांड ने खाली छोड़ दिया है। अब दोस्तों यहां पर ब्रांड ने जो डोर में एक स्पेस जो है खाली छोड़ दी है, यहां पर आराम से एक डोर में एक और शेल्फ आ सकता था, लेकिन वेजिटेबल बास्केट को अकोमोडेट करने के लिए वो जो जगह है ना वो खाली छोड़नी पड़ी है और ये काफी मिसमैनेजमेंट ऑफ स्पेस है। इसमें आपको डबल ट्विस्ट आइस ट्रे मिल जाती है और इसमें आपको कोई भी डिओडोराइजर नहीं मिलता है और आपको ना ही कोई फिल्टर टेक्नोलॉजी मिलती है, लेकिन इसमें आपको एंटी बैक्टीरियल गैस्केट मिल जाता है जो कि आपको हर एक रेफ्रिजरेटर में मिल ही जाता है, और इसमें आपको एयर वेंट्स जो है वो बैक में मिलते हैं और सिंपल ट्विस्ट नॉब्स इसमें आपको मिल जाते हैं। तो दोस्तों नॉर्मल रेफ्रिजरेटर की तरह आपको इसमें जो एयर वेंट्स हैं वो आपको फ्रिज के बैक की तरफ मिल जाते हैं, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में आगे चल के ऐसे फ्रिज भी बताऊंगा जिसमें आपको बहुत ही अच्छे एयर वेंट्स बहुत ही अच्छे प्लेसमेंट के साथ मिलते हैं, देखते रहिएगा इस वीडियो को। लेकिन अगर आप देखें इसमें आपको एक क्लीन बैक मिलती है, तो पीछे से सफाई वगैरह करना बहुत आसान है और चूहे वगैरह पीछे से घुसने का जो चांस है वो भी काफ़ी कम हो जाता है। इसमें आपको कोई भी टच बटन्स नहीं मिलते हैं, नॉर्मल जो नॉब्स आपको रेफ्रिजरेटर्स में मिलते हैं वो नॉब्स को आप रोटेट करके इसके टेम्परेचर को ऊपर नीचे कर सकते हैं। जहां तक वारंटी की बात आती है, तो यहां पर आपको 1 साल की वारंटी प्रोडक्ट पर और 10 साल की वारंटी कंप्रेसर पर मिल जाती है। तो आपने ओवरऑल फीचर्स इस रेफ्रिजरेटर के देख लिए हैं, लेकिन इस फ्रिज को बाय करने से पहले आप इसके प्रोज एंड कॉन्स जरूर देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप लिंक पे क्लिक करके इस रेफ्रिजरेटर को खरीद सकते हैं। चलिए इसके अगर प्रोज एंड कॉन्स को हम देखते हैं, तो आप देख सकते हैं इसमें आपको ट्रिपल इन्वर्टर कंप्रेसर मिलता है। अगर आप रेफ्रिजरेटर के कैविटी सेक्शन को देखें तो यहाँ पर स्पेस मैनेजमेंट जो है काफी बढ़िया है। फ्रीजर आपको एवरेज 74 लीटर का मिल रहा है, एवरेज 28 लीटर का आपको वेजिटेबल बास्केट मिल रहा है, तो नॉर्मली यहाँ पर आपको जो स्पेस है ना रेफ्रिजरेटर की कैविटी में, यहाँ पे आपको बहुत अच्छी स्पेस मिल जा रही है। तो ओवरऑल इस साइड में तो रेफ्रिजरेटर की स्पेस डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही बढ़िया है। और यहाँ पर अगर आप कॉन्स की तरफ देखते हैं, डोर साइड में स्पेस डिस्ट्रीब्यूशन इतनी अच्छी नहीं है, खास करके जो सबसे नीचे वाला जो सेक्शन है यहाँ पर बिल्कुल खाली छोड़ दिया गया है। इसमें आपको कोई भी डिओडोराइजर फीचर नहीं मिलता है, फिल्टर टेक्नोलॉजी नहीं मिलती है, ये भी इसका एक कॉन है। और इसमें नॉर्मल सिंपल ट्विस्ट नॉब्स मिलते हैं, कोई भी आपको टच स्क्रीन या फिर टच बटन नहीं मिलता है, कोई भी आपको डिजिटल डिस्प्ले नहीं मिलता है, ये भी अगर आपके लिए कॉन है तो ये एक कॉन हो सकता है। और मैं ये मानता हूं कि इस रेफ्रिजरेटर के 3-स्टार रेटिंग होने के बाद भी ओवरऑल ईयरली 240 यूनिट्स जो है वो कुछ ज्यादा है, लेकिन घबराने वाली कोई बात नहीं है, रेफ्रिजरेटर ओवरऑल काफी अच्छा है, काफी ड्यूरेबल है, आप चाहे तो इसको खरीद सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहां पर आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पर क्लिक करके आप इसको खरीद सकते हैं। लेकिन चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 4 में, देखते हैं कि इंडिया के टॉप 5 रेफ्रिजरेटर्स में नंबर 4 में कौन सा ऑप्शन आता है। तो दोस्तों नंबर 4 में जो रेफ्रिजरेटर आता है वो है पैनासोनिक का 338 लीटर का रेफ्रिजरेटर, जो कि 3 से 4 मेंबर की फैमिली के लिए एक अच्छा ऑप्शन रह सकता है, और इसमें आपको नेट कैपेसिटी 304 लीटर्स की मिल जाती है। अब दोस्तों यहां पर आपको डबल डोर कन्वर्टेबल फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर मिलता है, यानी कि यह भी एक कन्वर्टेबल रेफ्रिजरेटर है, और इसमें आपको प्राइम कन्वर्टेबल मोड मिल जाता है। अब दोस्तों यह रेफ्रिजरेटर भी बहुत ज्यादा ऑनेस्टली अपने कन्वर्टेबल मोड्स को क्लेम नहीं करता है, क्योंकि दोस्तों पैनासोनिक
क्लेम करता है कि इसमें आपको 6-in-1 कन्वर्टेबल मोड मिलता है, जिसमें से एक्चुअल में एक ही कन्वर्टेबल मोड है जो कि इसका प्राइम कन्वर्टेबल मोड है, और इसमें आप इसके फ्रीजर को नॉर्मल रेफ्रिजरेटर बना सकते हैं। यहाँ पर आपको 6-stage इन्वर्टर कंप्रेसर मिल जाता है, 3-star रेटिंग आपको मिल जाती है, और सालाना बिजली की जो कंजम्पशन है वो 212 यूनिट्स की आपको मिल जाती है। तो दोस्तों, ये रेफ्रिजरेटर भी एक इन्वर्टर रेफ्रिजरेटर है, यानी कि इसके अंदर एक इन्वर्टर कंप्रेसर लगा है, और उसके क्या फायदे नुकसान है मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ। इसमें आपको फ्रीजर 83 लीटर का मिल जाता है और वेजिटेबल बास्केट 35 लीटर का मिल जाता है। दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी बात भी है और एक तरीके से थोड़ी सी बुरी बात भी है। यहाँ पर ये जो रेफ्रिजरेटर है ना, नॉन वेजिटेरियंस के लिए और वेजिटेरियंस के लिए, दोनों के लिए ही एक डिलाइट है, क्योंकि आपको बहुत ही बड़ा फ्रीजर कंपार्टमेंट मिल रहा है 83 लीटर का। इससे पहले हायर के रेफ्रिजरेटर में मैंने आपको जो फ्रीजर बताया था वो 74 लीटर का था, यहाँ पर आपको 83 लीटर का मिल रहा है, काफ़ी बड़ा है। और आप वेजिटेबल बास्केट भी देखें तो इससे पहले हायर वाले में आपको 28 लीटर का वेजिटेबल बास्केट दिख रहा था, यहाँ पर आपको 35 लीटर का वेजिटेबल बास्केट दिख रहा है। तो काफ़ी बड़ा वेजिटेबल बास्केट भी है और काफ़ी बड़ा फ्रीजर कंपार्टमेंट भी है। लेकिन इसमें नुकसान क्या हो जाता है, आप अगर देखें इतना बड़ा फ्रीजर और इतना बड़ा वेजिटेबल बास्केट, तो कॉम्प्रोमाइज इसका कहाँ पर किया गया है? कॉम्प्रोमाइज किया गया है जो बाकी का जो स्पेस बचता है यहाँ पर दोस्तों, थोड़ा सा स्पेस जो है वो कम कर दिया गया है ताकि फ्रीजर बड़ा किया जा सके और इसका बास्केट जो है वो बड़ा किया जा सके। अब दोस्तों देखते हैं इसके बाकी फीचर्स। यहाँ पर आपको टेम्पर्ड ग्लास शेल्व्स मिल जाते हैं जो कि 150 किलो तक का वजन सहन कर सकते हैं, और डबल ट्विस्ट आइस ट्रे भी आपको इसमें मिल जाती है। अब दोस्तों, फिर से इसके डोर में ब्रांड ने जो है ना, स्पेस मैनेजमेंट सही तरीके से नहीं की है। मैं आगे आने वाले रेफ्रिजरेटर्स में अभी आपको ऐसे फ्रिज बताने वाला हूं जहां पर ब्रांड ने बहुत ही बढ़िया स्पेस मैनेजमेंट की है इसके डोर वाले साइड में भी। लेकिन अब पैनासोनिक के अगर ये वाला फ्रिज देखते हैं ना, तो यहां पर भी डोर में नीचे काफी ज्यादा स्पेस जो है खाली छोड़ दी गई है और काफी वेस्टेज ऑफ स्पेस किया गया है, क्योंकि मेरे हिसाब से इसको यूटिलाइज किया जा सकता था। यहां पर आपको एक एजी क्लीन टेक्नोलॉजी मिल जाएगी जो कि एक बहुत ही बढ़िया टेक्नोलॉजी है बैक्टीरिया मोल्ड वगैरह को मारने के लिए। बेसिकली एजी क्लीन का मतलब होता है सिल्वर कैटायनिक फिल्टर। तो इसमें बेसिकली सिल्वर कैटायनिक फिल्टर लगा है जो कि सिल्वर आयंस टाइम टाइम पे रिलीज करता रहता है, और ये सिल्वर आयंस जो है बैक्टीरिया मोल्ड्स वगैरह को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, मार देते हैं, जिससे आपका जो भी खाना या फिर सामान है आपके रेफ्रिजरेटर में काफी टाइम तक जो है वो फ्रेश रहता है। तो ये एक काफी अच्छी टेक्नोलॉजी है जिसको मैं रियली काफी अप्रिशिएट करता हूं। इसमें आपको एयर वेंट्स बैक में मिल जाते हैं, नॉर्मल ट्विस्ट नॉब्स इसमें आपको मिल जाते हैं, और आपको इसमें क्लीन बैग भी मिल जाता है। तो नॉर्मल आपको पुराने रेफ्रिजरेटर्स की तरह ही आपको इसमें ट्विस्ट नॉब्स मिल जाएंगे जिससे आप इसके टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं, और इसमें आपको जो वेंट्स हैं वो भी रेफ्रिजरेटर के पीछे वाले साइड में मिलेंगे जो कि नॉर्मली रेफ्रिजरेटर्स में जनरली आपको इस टाइप के ही मिलते हैं। इसमें अगर वारंटी की बात करें तो 1 साल की वारंटी प्रोडक्ट पर और 10 साल की वारंटी कंप्रेसर में आपको मिल जाती है। चलिए देख लेते हैं इसके प्रोज एंड कॉन्स। तो प्रोज एंड कॉन्स की जब बात आती है तो आपको इसमें इतना बड़ा फ्रीजर मिलता है, इतना बड़ा वेजिटेबल बास्केट मिलता है, तो ये एक रियली काफी अच्छी बात है। अगर आपका नॉन वेज का नीड और वेज का नीड दोनों ही बहुत ज्यादा है ना, तो ये रेफ्रिजरेटर आपके लिए एक आइडियल चॉइस रह सकता है। भर के रख दीजिए वेजिटेबल्स इसके वेजिटेबल बास्केट में, और आप जितना नॉन वेज स्टोर करना चाहते हैं स्टोर कर दीजिए इसके 83 लीटर के फ्रीजर कंपार्टमेंट में, आपको काफी ज्यादा हेल्प होने वाली है। और इसकी जो एजी क्लीन टेक्नोलॉजी है, ये इसका एक और प्रो है, क्योंकि ये आपके खाने को ओवरऑल काफी टाइम तक फ्रेश रखने वाला है, क्योंकि बैक्टीरिया मोल्ड्स वगैरह इसके सिल्वर कैटायनिक फिल्टर द्वारा खत्म होने वाले हैं। कॉन्स की बात करें तो इसमें आपको ज्यादा स्पेस जो है बीच में नहीं मिलती है, जैसे मैंने आपको बताया था यहां पर जो है स्पेस आपको कम मिल जाती है, हो सकता है ये आपके लिए एक बड़ा कॉन हो सकता है। और इसमें कन्वर्टिबल मोड सिर्फ एक ही आपको मिलता है, तो ये भी इसका एक कॉन है, क्योंकि आपको मैं आगे ऐसे फ्रिज बताने वाला हूं जहां पर आपको ज्यादा कन्वर्टिबल मोड्स आपको मिल सकते हैं। और जब डोर के स्पेस मैनेजमेंट की बात आती है तो वो भी आपको अच्छी नहीं मिलती है। अगर आप ये रेफ्रिजरेटर खरीदना चाहते हैं तो ये रेफ्रिजरेटर आपको पड़ेगा 35,990 का। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप इस रेफ्रिजरेटर को खरीद सकते हैं या फिर नॉर्मली एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। चलिए चलते हैं अपने ऑप्शन नंबर 3 में और देख लेते हैं कि इंडिया के टॉप 5 रेफ्रिजरेटर्स में 35,000 की रेंज में नंबर 3 में कौन सा रेफ्रिजरेटर आता है। तो दोस्तों, नंबर 3 में जो रेफ्रिजरेटर मैं आपके लिए लेके आया हूँ वो है सैमसंग का 322 लीटर का रेफ्रिजरेटर, जो कि 3 से 4 मेंबर की फैमिली के लिए अच्छा ऑप्शन रह सकता है। ये भी आपको एक डबल डोर कन्वर्टेबल फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर मिलता है, और यहाँ पर दोस्तों कन्वर्टेबल 5-in-1 मोड मिल जाता है, जिसमें ट्रूली कन्वर्टेबल 5 मोड आपको मिल जाते हैं।
अब दोस्तों यहाँ पर सैमसंग जो है ना, यही एक ऐसा ब्रांड है जिसने काफी ऑनेस्टली बहुत ईमानदारी से आपको बता दिया है कि इसमें आपको 5-in-1 कन्वर्टेबल मोड मिलेंगे, और सच में ये पांचों के पांचों मोड कन्वर्टेबल मोड है। हाँ, इसमें एक मोड जो है वो नॉर्मल मोड है जिसको 5-in-1 कन्वर्टेबल मोड में इंक्लूड कर लिया गया है, लेकिन देखा जाए तो बेसिकली चार कन्वर्टेबल मोड तो इसमें प्रॉपर कन्वर्टेबल मोड है। आप चाहे तो नॉर्मल फ्रीजर को एज अ फ्रीजर, रेफ्रिजरेटर को एज अ रेफ्रिजरेटर वैसे भी चला सकते हैं, उसको एक मोड कहा गया है। आप चाहे तो इसके फ्रीजर को टोटली ऑफ कर सकते हैं और सिर्फ इसके रेफ्रिजरेटर को चला सकते हैं, वो भी एक ऑप्शन आपको मिल जाता है। आप चाहे तो इसके रेफ्रिजरेटर को ऑफ कर सकते हैं, सिर्फ फ्रीजर को ऑन करके चला सकते हैं, आपको ये भी एक मोड मिल जाता है। आप चाहे तो फ्रीजर को रेफ्रिजरेटर बना सकते हैं, तो टोटल आपका ऊपर से लेकर नीचे तक एक ही रेफ्रिजरेटर आपको बन जाएगा जहां पर आप ज्यादा सामान स्टोर कर सकते हैं, तो ये भी एक ट्रूली कन्वर्टेबल मोड है। और आप चाहे तो सिर्फ इसके फ्रीजर कंपार्टमेंट को नॉर्मल रेफ्रिजरेटर बना सकते हैं और बाकी के जो नीचे वाला जो हिस्सा है ना, उसको आप टोटली शट डाउन यानी कि ऑफ कर सकते हैं, तो ये भी एक बहुत बढ़िया मोड हो जाता है। तो अलग अलग पांच ट्रूली कन्वर्टेबल मोड्स आपको मिल जाते हैं, और यहां आपको इस टाइप के मोड जो है आपको किसी भी और रेफ्रिजरेटर में नहीं मिलता है। तो यहां पर मैं बताऊंगा सैमसंग ने ये काफी ऑनेस्टली काफी ईमानदारी से क्लेम किया है 5-in-1 कन्वर्टेबल मोड, यानी कि रियली 5-in-1 कन्वर्टेबल मोड जो कि रियली आपके काफी काम में भी आ सकते हैं। हो सकता है आप घर में अकेले हैं, आपको पूरे रेफ्रिजरेटर की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो नीचे वाला पार्ट आप ऑफ कर दीजिए और ऊपर फ्रीजर वाले पार्ट को आप नॉर्मल रेफ्रिजरेटर बना दीजिए, तो इस तरीके से आप जो है उसको यूज कर सकते हैं। तो अलग अलग यूज केस के हिसाब से आप रेफ्रिजरेटर को अलग अलग मोड्स में चला सकते हैं। इसमें आपको डिजिटल इन्वर्टर कंप्रेसर मिल जाता है और 2-star रेटिंग का ये रेफ्रिजरेटर आपको मिलता है, जिसमें ईयरली बिजली की कंजम्पशन जो है 276 यूनिट्स की आपको देखने को मिल जाती है। इस रेट में आपको 2-star रेफ्रिजरेटर मिल रहा है सैमसंग की तरफ से, 3-star नहीं मिल रहा है, इसलिए थोड़ी सी एनर्जी की कंजम्पशन इसमें ज्यादा होती है। लेकिन इसमें भी आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि एनर्जी की कंजम्पशन एक 2-star और 3-star रेफ्रिजरेटर में अगर आप ओवरऑल कंपेयर करते हैं ना, तो सिर्फ 400 से लेके 500 रुपए का ही फर्क पड़ता है ओवरऑल पूरे साल में, जो कि मेरे हिसाब से कुछ खास डिफरेंस नहीं है। 400-500 रुपए का फर्क है, लेकिन 2-star और 3-star रेफ्रिजरेटर के रेट में जो है ओवरऑल काफी फर्क पड़ जाता है। इसमें आपको फ्रीजर 72 लीटर का मिलता है, फ्रेश फूड कैपेसिटी आपको 250 लीटर की मिल जाती है, और वेजिटेबल बास्केट करीब 28 लीटर का आपको इसमें मिल जाता है। इसमें आपको 3 शेल्फ कंपार्टमेंट में मिल जाते हैं, टेम्पर्ड ग्लास शेल्फ्स हैं, तो 175 केजी तक जो है ब्रांड क्लेम करता है ये वेट सहन कर सकते हैं। 3 शेल्फ आपको इसके डोर में मिल जाता है, और आपको इसमें मूवेबल आइस मेकर भी मिल जाता है। अब दोस्तों यहाँ पर फिर से सैमसंग ने जो है डोर साइड में सही तरीके से स्पेस मैनेजमेंट नहीं किया है। हालांकि इसका जो फ्रीजर है वो काफ़ी एवरेज साइज का है, और इसका जो वेजिटेबल बास्केट है वो भी काफ़ी एवरेज साइज का है, तो ओवरऑल आपका अगर कैविटी वाला साइड अगर आप देखते हैं तो बहुत ही अच्छा स्पेस मैनेजमेंट है। लेकिन डोर साइड में अगेन दोस्तों यहाँ पर 3 ही शेल्फ्स आपको मिलते हैं, और नीचे आप देख सकते हैं वेजिटेबल बास्केट के सामने जो पार्ट है ना वो बिल्कुल खाली छोड़ दिया गया है। तो यहाँ पर आपका स्पेस मैनेजमेंट अगर ब्रांड चाहता तो बेहतर कर सकता था, लेकिन वो जो है थोड़ा सा मेरे हिसाब से स्पेस मैनेजमेंट इतना बढ़िया नहीं किया गया है। इसमें आपको डिओडोराइजर वाला फीचर भी मिल जाता है, और आपको एंटीबैक्टीरियल गैस्केट भी मिल जाती है, यानी कि दोस्तों फ्रिज के अंदर कोई भी बदबू या फिर फाउल स्मेल वगैरह आती है ना, तो डिओडोराइजेशन फीचर के कारण आपके ओवरऑल फ्रिज में एक अच्छी स्मेल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसमें आपको एयर वेंट्स बैक में मिलते हैं नॉर्मल रेफ्रिजरेटर की तरह, लेकिन इसमें आपको टच कंट्रोल्स मिल जाते हैं इसके डोर में, और फुल्ली कवर्ड क्लीन बैक आपको इसमें मिलती है। तो दोस्तों इस रेफ्रिजरेटर में आपको नॉर्मल नॉब्स नहीं मिलते हैं, लेकिन आपको टच कंट्रोल मिल जाते हैं इसके डोर में, और आपको डिजिटल डिस्प्ले भी मिल जाता है, तो ओवरऑल लुक बहुत ही ज़्यादा सुंदर आती है इस रेफ्रिजरेटर की। और इसकी जो बैक है ना वो टॉप से लेके बिल्कुल बॉटम तक पूरी ओवरऑल कवर्ड बैक है, तो इसकी सफाई वगैरह करना और चूहों से जो है इसकी प्रोटेक्शन वो बहुत ही बढ़िया हो जाती है। अगर वारंटी की बात करें तो इसमें आपको 1 साल की वारंटी प्रोडक्ट पर और 20 साल की वारंटी कंप्रेसर पर मिल जाती है। तो नोट कीजिएगा यहाँ पर आपको कंप्रेसर पे वारंटी नॉर्मल रेफ्रिजरेटर्स की तरह 10 साल की नहीं, बल्कि यहाँ पर आपको 20 साल की वारंटी मिल रही है कंप्रेसर पे। तो आप अगर इस रेफ्रिजरेटर खरीदना चाहते हैं तो ये रेफ्रिजरेटर आपको पड़ेगा 35,690 का। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तो मिल जाएगा, लेकिन पहले आप इसके प्रोज एंड कॉन्स सुन लीजिए, उसके बाद डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप इस फ्रिज को
खरीद लीजिएगा। तो इसके प्रोस की जब बात आती है तो यहाँ पर आपको कन्वर्टेबल 5-in-1 जो कि ट्रूली कन्वर्टेबल मोड्स है, मैंने आपको समझा दिया है, तो वो आपको इसमें मिल जाता है। प्लस आपको ओवरऑल बहुत अच्छी स्पेस डिस्ट्रीब्यूशन मिलती है फ्रिज के कैविटी साइड में, और इसमें आपको टच कंट्रोल्स मिल जाते हैं, डिजिटल डिस्प्ले मिल जाता है जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। प्लस इसमें आपको 20 साल की वारंटी कंप्रेसर में मिल रही है जो कि रियली काफी अच्छी बात है। अगर कॉन्स की बात करें तो यहाँ पर आपको 3 शेल्फ मिल रहे हैं डोर में, काफी अच्छी स्पेस मैनेजमेंट डोर की नहीं की गई है, और ये रेफ्रिजरेटर आपको 2-स्टार रेटिंग के साथ मिलता है, 276 यूनिट साल के कंज्यूम करता है। ये एक कॉन में आ सकता है, हालांकि मेरे लिए कुछ खास बड़ा कॉन नहीं है क्योंकि 3-स्टार रेफ्रिजरेटर में आपको करीब 240 यूनिट यूज होते हैं, तो ओवरऑल 400-500 रुपए का ही सालाना फर्क पड़ता है। अब दोस्तों आप जा सकते हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और इस फ्रिज को खरीद सकते हैं। लेकिन क्या उससे पहले रेफ्रिजरेटर नंबर 2 और रेफ्रिजरेटर नंबर 1 को देख लिया जाए? चलिए देख लेते हैं कि इंडिया के टॉप 5 रेफ्रिजरेटर्स 35,000 की रेंज में नंबर 2 पे कौन सा रेफ्रिजरेटर मैं आपके लिए लेके आया हूं। तो दोस्तों नंबर 2 पे जो रेफ्रिजरेटर मैं आपके लिए लेके आया हूं वो है वर्लपूल का 327 लीटर का रेफ्रिजरेटर, जिसमें आपको नेट कैपेसिटी 308 लीटर की मिल जाती है। इसमें दोस्तों आपको डबल डोर रेफ्रिजरेटर तो मिलता है, लेकिन ये एक कन्वर्टेबल रेफ्रिजरेटर नहीं है। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि ये जो रेफ्रिजरेटर है एक कन्वर्टेबल रेफ्रिजरेटर नहीं है, यानी कि इसके फ्रीजर को आप नॉर्मल रेफ्रिजरेटर नहीं बना सकते हैं। वैसे मेरे हिसाब से ये कोई कॉन नहीं है क्योंकि मुझे तो कभी जरूरत पड़ती नहीं है फ्रीजर को रेफ्रिजरेटर में कन्वर्ट करने की। हाँ, अगर आपको जरूरत पड़ती है तो ये आपके लिए एक कॉन हो सकता है, लेकिन इसके बाकी फीचर्स आप सुन लीजिए जो कि काफी अच्छे फीचर्स हैं। इसमें आपको इंटेलीसेंस इन्वर्टर टेक्नोलॉजी मिल जाता है, 3-स्टार रेटिंग का ये रेफ्रिजरेटर है, और सालाना बिजली कंजम्पशन 237 यूनिट्स पर ईयर की आपको देखने को मिल जाती है, यानी कि इसमें आपको नॉर्मल इन्वर्टर टेक्नोलॉजी वाला कंप्रेसर मिलता है जो कि काफी अच्छा कंप्रेसर है। इसमें आपको 73 लीटर्स का फ्रीजर मिल जाता है और वेजिटेबल बास्केट करीब 29 लीटर्स का मिलता है, 254 लीटर का ओवरऑल फ्रेश फूड कैपेसिटी आपको इसमें मिल जाती है। इसमें आपको हनीकॉम्ब डिजाइन मिल जाता है वेजिटेबल बास्केट के ऊपर, जो कि एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। अब दोस्तों ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, इसके वेजिटेबल बास्केट के ऊपर ना आपको हनीकॉम्ब डिज़ाइन का कवर मिल जाता है, यानी कि वो मधुमक्खी के छत्ते टाइप का एक डिज़ाइन होता है ना, उस टाइप का डिज़ाइन आपको इसके कवर में मिल जाएगा, वेजिटेबल बास्केट के कवर में। तो इससे क्या होता है ना, यहाँ से धीरे धीरे मॉइस्चर जो है टप टप करके आपके वेजिटेबल्स के ऊपर गिरता रहता है, और वेजिटेबल्स की जो मॉइस्चर है ना वो बहुत अच्छी प्रिजर्व रहती है, तो ज़्यादा टाइम तक आपके जो वेजिटेबल्स हैं, आपकी जो सब्जियाँ वगैरह है ना, वो ज़्यादा टाइम तक जो है फ्रेश रहने वाली है। यहाँ पर आपको टेम्पर्ड ग्लास शेल्फ्स मिल जाते हैं जो कि 240 केजी तक के वेट को सहन कर सकते हैं, और इसमें आपको 3 शेल्फ्स मिल जाते हैं, एक ड्रॉअर मिल जाता है, और ओवरऑल दोस्तों इसमें आपको डोर साइड में ना 4 शेल्फ्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पर बहुत ही बढ़िया स्पेस मैनेजमेंट की गई है डोर साइड में, यहाँ पर कोई भी खाली जगह जो है नहीं छोड़ी गई है। इससे पहले वाले रेफ्रिजरेटर्स में ना काफी खाली जगह छोड़ी गई थी, लेकिन यहाँ पर आपको 4 शेल्फ डोर साइड में भी मिल रहे हैं, और आपको 3 शेल्फ यहाँ पर कैविटी साइड में भी मिल रहे हैं, तो ये काफी अच्छी चीज है। और यहाँ पर आपको टच UI इनसाइड रेफ्रिजरेटर मिल जाता है, और ये करीब 85 मिनट्स में आपको बर्फ जमाकर भी दे सकता है, और इसमें बहुत ही बढ़िया एक जियोलाइट टेक्नोलॉजी आपको मिलती है जो कि आपके खाने को ज्यादा टाइम तक फ्रेश रखती है। अब दोस्तों ये चीज़ें बहुत ही बढ़िया है, यहाँ पर आपको टच स्क्रीन मिल रहा है जो कि टच स्क्रीन से आप इसके फ्रिज को जो है टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकते हैं। प्लस ये रेफ्रिजरेटर क्लेम करता है कि ये 85 मिनट्स में, यानी करीब करीब 1.5 घंटे के अंदर आपको जो है बर्फ जमा कर दे सकता है। तो यहाँ पर जब आपको बहुत ज़्यादा बर्फ की जल्दी से नीड होती है ना पार्टी वार्टी के टाइम पे, तो आप एक अच्छी खासी बर्फ जो है इसमें 1.5 घंटे के अंदर जमा सकते हैं। और यहाँ पर एक आपको जियोलाइट टेक्नोलॉजी मिलती है जो कि बहुत ही बढ़िया टेक्नोलॉजी है, और ये आपके खाने में से निकलती हुई इथिलीन वगैरह को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिससे आपका जो भी खाना है फ्रूट्स वेजिटेबल्स वगैरह है ना वो ज्यादा टाइम तक जो है फ्रेश रहते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी इस रेफ्रिजरेटर में यूज की गई है। इसकी वारंटी की बात करें तो यहाँ पर आपको 1 साल की वारंटी प्रोडक्ट पर और 10 साल की वारंटी कंप्रेसर पर मिल जाती है। अब दोस्तों ये रेफ्रिजरेटर अगर आप खरीदना चाहते हैं तो ये आपको 33,890 पड़ेगा आज की डेट में। जल्दी से जाकर नीचे लिंक से आप इस रेफ्रिजरेटर को खरीद सकते हैं अगर आपको ये पसंद आया है।
लेकिन दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाने से पहले आप इसके प्रोज एंड कॉन्स सुन लीजिए और उसके बाद आप इस रेफ्रिजरेटर को खरीदने की सोच सकते हैं। तो जब प्रोज एंड कॉन्स की बात आती है, सबसे पहले प्रोज देख लेते हैं। तो इसमें आपको चार शेल्फ मिल जाते हैं डोर साइड में, काफी अच्छी जो है स्पेस मैनेजमेंट की गई है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। हनीकॉम्ब डिजाइन इसका जो वेजिटेबल बास्केट में मिलता है, ये एक बहुत अच्छा प्रो है। और इसमें आपको जियोलाइट टेक्नोलॉजी जो आपको मिलती है, प्लस आपको यूआई इनसाइड यानी कि टच स्क्रीन वाला जो आपको इसमें मिल जाता है, वो भी बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है। और इसके अगर कॉन्स की बात की जाए तो इसमें आपको नॉन कन्वर्टेबल रेफ्रिजरेटर मिल रहा है। ये अगर आपके लिए कॉन है, अगर आपको एक कन्वर्टेबल फ्रिज ही खरीदना है तो आपके लिए एक बड़ा कॉन हो सकता है। लेकिन अगर कन्वर्टेबल या फिर नॉन कन्वर्टेबल से आपको कुछ खास फर्क नहीं पड़ता तो वर्लपूल का ये वाला रेफ्रिजरेटर आपके लिए एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन रह सकता है। लेकिन इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से खरीदने से पहले आप रेफ्रिजरेटर नंबर 1 को भी देख ही लीजिए। तो भैया इंडिया के टॉप 5 रेफ्रिजरेटर्स 35,000 की रेंज में जो नंबर 1 पे मैं आपके लिए रेफ्रिजरेटर लेकर आया हूँ वो है LG का 322 लीटर का 2-स्टार रेफ्रिजरेटर। और ये 3 से 4 मेंबर की फैमिली के लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन रह सकता है। यहाँ पर आपको डबल डोर कन्वर्टेबल फ्रॉस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर मिलता है। जी हाँ, ये एक कन्वर्टेबल रेफ्रिजरेटर है। और यहाँ पर आपको स्मार्ट इन्वर्टर टेक्नोलॉजी मिलती है। 2-स्टार रेटिंग का रेफ्रिजरेटर है जिसमें सालाना बिजली की कंजम्पशन आपको 279 यूनिट्स पर ईयर की मिल जाती है। तो दोस्तों ये जो फ्रिज है ये 2-स्टार रेटिंग का है, इसलिए थोड़ी सी बिजली की कंजम्पशन इसमें ज़्यादा मिलती है। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया 3-स्टार और 2-स्टार में सिर्फ 400 से 500 रुपए का ही फ़र्क होता है ओवरऑल बिजली की कंजम्पशन में, तो कुछ खास फर्क आपको देखने में नहीं मिलता है। इसमें आपको फ्रीज़र 81 लीटर का मिल जाता है जो कि काफ़ी बड़ा फ्रीज़र है। और फ्रेश फूड कैपेसिटी 241 लीटर की और 28 लीटर का वेजिटेबल बास्केट इसमें आपको मिल जाता है। लेकिन वेजिटेबल बास्केट के ऊपर इसमें आपको कोई भी हनीकॉम्ब डिजाइन नहीं मिलता है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं आपको काफी बड़ा फ्रीजर मिल रहा है 81 लीटर का, लेकिन इसका जो वेजिटेबल बास्केट है ये नॉर्मल 28 लीटर का ही है। इससे फायदा ये होता है कि आपको एक बड़ा फ्रीजर भी मिल रहा है। और यहाँ पर अगर आप फ्रिज की ओवरऑल कैविटी का अगर आप स्पेस मैनेजमेंट देखें ना तो बहुत अच्छा हो जाता है, तो इसीलिए ओवरऑल यहाँ पर आपको काफी ज्यादा स्पेस मिल जाती है। लेकिन इसमें आपको कोई भी हनीकॉम्ब डिजाइन यहाँ पर नहीं मिलता है। इसमें अगर आप देखते हैं आपको 2 टेम्पर्ड ग्लास शेल्फ मिल जाते हैं, 2 ड्रॉअर मिल जाते हैं, ट्विस्ट आइस ट्रे मिल जाता है और आपको डोर साइड में 4 शेल्फ मिल जाते हैं जो कि काफी अच्छा स्पेस मैनेजमेंट है। तो दोस्तों यहाँ पर भी आपको इस रेफ्रिजरेटर के डोर साइड में 4 शेल्फ मिल रहे हैं। सबसे नीचे वाला जो पार्ट है वो स्पेस वेस्ट नहीं किया गया है बाकी रेफ्रिजरेटर्स की तरह। तो वर्लपूल में और इस LG के फ्रिज में बहुत ही अच्छी स्पेस मैनेजमेंट है डोर साइड में भी और नॉर्मल फ्रिज के कैविटी साइड में भी। और LG में वर्लपूल से भी थोड़ा सा बेहतर है क्योंकि यहाँ पर आपको ओवरऑल फ्रीजर काफी बड़ा मिल रहा है 81 लीटर्स का। इसमें आपको वाईफाई कंट्रोल मिल जाता है, डिजिटल डिस्प्ले मिल जाता है, डियोडराइजर मिल जाता है, मल्टी एयर फ्लो एंड डोर कूलिंग टेक्नोलॉजी भी आपको मिल जाती है। इतनी सारी चीजें आपको LG प्रोवाइड कर रहा है। वाईफाई कंट्रोल यानी कि एक ऐप को आपको इंस्टॉल करना है अपने फोन में और उसके बाद इस फ्रिज को उस ऐप के द्वारा अपने फोन के द्वारा आप कंट्रोल कर सकते हैं। टेम्परेचर को बढ़ाना घटाना, फ्रिज को बंद करना स्टार्ट करना सब आप उस ऐप के द्वारा कर सकते हैं। प्लस दोस्तों इसमें आपको डियोडराइजर भी मिलता है यानी कि फ्रिज के अंदर बहुत ही अच्छी खुशबू भी आने वाली है। प्लस इसमें आपको डिजिटल डिस्प्ले भी मिलता है यानी कि फ्रिज काफी सुंदर लगने वाला है। प्लस इसमें आपको एक बहुत ही बढ़िया डोर कूलिंग टेक्नोलॉजी भी मिल जाती है दोस्तों। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं ना इस फ्रिज के डोर में, वो भी डोर में इस वाली साइड में नहीं बल्कि इस वाले साइड में, यहाँ पर अगर आप देखते हैं ना यहाँ पर आपको वेंट्स मिल जाते हैं और यहाँ से ठंडी हवा जो है ना सीधा फ्रिज के अंदर आती है। फ्रिज के पीछे तो आपको एयर वेंट्स मिल ही जाते हैं लेकिन यहाँ पर भी आपको एयर वेंट्स मिलते हैं। तो ओवरऑल आपको जो फ्रिज है ना काफ़ी जल्दी ठंडा होता है और खाने को जो है ना काफ़ी अच्छी तरीके से वो हर जगह से ठंडा भी करता है और फ्रेश भी रखता है। तो ये एक काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है। और इसमें आपको स्मार्ट डायग्नोसिस फीचर, स्मार्ट कनेक्ट यानी कि होम इन्वर्टर के साथ कनेक्ट होने वाला फीचर और स्टेबलाइजर इनसाइड वो भी आपको इसमें मिल जाता है। बाप रे बाप दोस्तों इतनी सारी चीजें आपको LG दे रहा है। इसमें अगर आपकी लाइट जाती है तो ये फ्रिज आपके इन्वर्टर के साथ
भी कनेक्ट हो सकता है और वहीं से चल सकता है। और इसमें आपको स्टेबलाइजर भी अलग से लेने की कोई जरूरत नहीं है। 100 से लेकर 310 वोल्ट तक जो भी वोल्टेज की फ्लक्चुएशन है ये सभी फ्रिज खुद से एब्जॉर्ब कर सकता है। इसके अंदर ऑलरेडी स्टेबलाइजर दिया गया है, आपको अलग से स्टेबलाइजर लेने की कोई जरूरत नहीं है। बस इसमें आपको स्मार्ट डायग्नोसिस फीचर भी मिल जाता है, जहां पर अगर आपका फ्रिज खराब होता है तो आपको वहां पर कुछ तरीके आपको बताए गए हैं, जहां पर आपको फ्रिज को जो है 6-7 बार डोर को ओपन क्लोज करना होता है, वो सभी आपको जो टेक्नीशियन जो है विजिट करता है तो सब कुछ आपको बता देता है किस तरीके से आपको ये वाला फीचर यूज करना है। लेकिन ये फ्रिज खुद से कस्टमर केयर से कम्युनिकेट करके ये बता सकता है कि कहाँ पर एक्चुअल में प्रॉब्लम है। इसकी वारंटी की बात की जाए तो यहाँ पर आपको 1 साल की वारंटी प्रोडक्ट पर और 10 साल की वारंटी कंप्रेसर पे मिल जाती है। तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया रेफ्रिजरेटर है, आपको बहुत ही ज़्यादा भर भर के इसमें फीचर्स मिल रहे हैं और बहुत ही अच्छा कंप्रेसर भी इसमें आपको मिल जाता है। अब दोस्तों अगर आप ये फ्रिज खरीदना चाहते हैं तो आपको थोड़े से पैसे ज़्यादा लगाने पड़ेंगे। अब इतने सारे फीचर्स अगर आपको लेने हैं और इतना अच्छा फ्रिज आपको लेना है तो आपको बस 1-2 हज़ार रुपये ही ज़्यादा खर्चने पड़ेंगे। करीब 37,590 का यह फ्रिज आपको पड़ेगा और इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इसके प्रोज एंड कॉन्स देख लीजिए। दोस्तों जहां तक प्रोज की बात आती है तो यहां पर आपको 81 लीटर का इतना बड़ा फ्रीजर मिल रहा है। इसमें आपको डोर साइड में इतनी अच्छी स्पेस की मैनेजमेंट की गई है, आपको वाईफाई कंट्रोल, डिजिटल डिस्प्ले, डिओडराइजर और डोर कूलिंग टेक्नोलॉजी, स्मार्ट डायग्नोसिस, आपको कितने सारे अच्छे अच्छे फीचर्स में मिलते हैं ये सभी इसके प्रोज में आप काउंट कर सकते हैं। अगर कॉन्स की हम बात करें तो इसमें मुझे कुछ भी खास कॉन्स दिखने को नहीं मिले हैं। हाँ, इसके वेजिटेबल बास्केट पे अगर एक हनीकॉम डिज़ाइन होता तो शायद थोड़ा सा और बेहतर होता, लेकिन वो वर्लपूल में आपको मिल जाता है। लेकिन ओवरऑल ये फ्रिज जो है ना काफ़ी अच्छा ऑप्शन रह सकता है। चलिए अब आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर जा सकते हैं और दिए गए लिंक से आप इस रेफ्रिजरेटर को खरीद सकते हैं। और दोस्तों अगर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से कोई भी रेफ्रिजरेटर खरीदते हैं तो आपको कुछ भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं देना पड़ेगा। अमेजोन आपको उतना ही चार्ज करेगा जो कि नॉर्मली उस प्रोडक्ट की कॉस्ट है, लेकिन उससे इस चैनल की थोड़ी बहुत फाइनेंशियल मदद हो जाएगी और मैं आपके लिए इस तरह के वीडियोस लाता रहूंगा और आपकी मैं हेल्प करता रहूंगा। वैसे मैं आपकी हेल्प वैसे भी करता ही रहूंगा, तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में किसी और प्रोडक्ट के साथ, तब तक के लिए सुदीप साइनिंग ऑफ।